नमस्कार। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। पूरे देश में बड़े ही धूम के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया है, क्योंकि रक्षाबंधन ना सिर्फ एक त्यौहार है बल्कि भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक भी है। बहन अपने भाई के रक्षा के लिए भाई के कलाई पर राखी बांधती है। भाई वचन देता है अपने बहन को कि बहन तुम्हारे रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी और जवाबदेही है। लेकिन आज इस रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर भी बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक, बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षिकाएं, बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना पाए हैं। आज जहां एक ओर छुट्टी होती है रक्षाबंधन की स्कूलों में, इस वजह से छुट्टी दी जाती है कि बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांध सके। रक्षाबंधन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, रक्षाबंधन के बारे में आपने सुना होगा कि हुमायूं के कलाई पर कर्णावती ने राखी बांधी थी। लेकिन बिहार की बात करेंगे हम, भाई के रक्षा के लिए कर्णावती ने हुमायूं के कलाई पर राखी तो बांधी थी, लेकिन बिहार का एक सरकारी अफसर, शिक्षा विभाग का एक अपर मुख्य सचिव ऐसा फरमान सुनाता है जिसके बाद बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं को, छात्र छात्राओं को रक्षाबंधन के त्यौहार पर स्कूल जाना मजबूरी हो जाता है। जरा सोचिए, बिहार के वो बच्चे आने वाले दिनों में क्या कहेंगे कि जिस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था, जिस दिन हम बहनों को अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधनी थी, उस दिन हम विद्यालय में थे और विद्यालय में खुशी के साथ नहीं, सरकारी तुगल की फरमान पर थे। के पाठक की बात कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। और के पाठक क्या हिंदू धर्म के विरोधी हैं? के पाठक क्या हिंदू त्योहारों के विरोधी हैं? इस पर सवाल उठ रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहा है बिहार सरकार शर्म करो, और ये शर्म करने वाली बात है। बिहार के यदुवंशी समाज के लोग पूछ रहे हैं बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव से कि आप तो यादव हैं, कृष्णाष्टमी तक के त्यौहार की छुट्टी रद्द कर दी गई है, क्या कर रहे हैं आप, कर क्या रहे हैं? अब जरा सोचिए, रक्षाबंधन के दिन जिन शिक्षिकाओं को अपने भाई के कलाई पर राखी बांधनी होगी, वो आज मजबूर है, अपने भाई के कलाई पर राखी नहीं बांध सकती है। ये शिक्षा विभाग आखिरकार किस तरीके के अधिकारियों के पास है? क्या ऐसे अधिकारी बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे? बिहार के बच्चे क्या कहेंगे आने वाले दिनों में? क्या बताएंगे अपने अतीत के बारे में कि जिस वक्त हम रक्षाबंधन का त्यौहार था, क्लास कर रहे थे, पढ़ाई होनी चाहिए, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार हिंदू पर्व त्योहारों की अवहेलना राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के फरमान पर हो रहा है। दुर्गा पूजा जैसे त्यौहार की छुट्टी मात्र 3 दिन कर दी गई है, दीपावली जैसे पवित्र त्यौहार जहां दीपों की रोशनी से पूरा दुनिया गुलजार होती है, उस दिन जो है वो मात्र 1 दिनों की छुट्टी दी गई है। जबकि अगर आप हिंदू धर्म के, हिंदू ग्रंथ के जानकार हैं, तो आपको मालूम है कि पूरे घर की साफ सफाई होती है। रक्षाबंधन की जो कहानियां किताबों में छपी है, अब बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक क्या सिखाएंगे बच्चों को कि अरे उस दिन तो स्कूल आना जरूरी है, बहन कर्णावती ने हुमायूं को भाई बनाकर जो राखी बांधी थी वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। बिहार सरकार कहती है कि ये राखी बांधना जरूरी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कलाई पर तो राखी बंधवाते हैं, बिहार सरकार के अधिकारी तो अपने कलाई पर राखी बंधवाते हैं, लेकिन बिहार के छात्र छात्राओं के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों? बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों?
क्या ये के पाठक, क्या ये के पाठक हिंदू धर्म का विरोधी हैं? अब सवाल इस वजह से क्योंकि बिहारी लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की बात करें, छठ पूजा जो है वो 3 दिनों का त्यौहार होता है, त्यौहार तो 4 दिनों का होता है, नहा खाए के साथ छठ महापर्व का शुरुआत होती है, दूसरे दिन जो है वो संध्या में पूजा होता है, तीसरे दिन निखंड यानी कि संध्या का अर्घ दिया जाता है, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन निखंड और चौथे दिन जो है वो उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व का समापन होता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अस्तचलगामी सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, जहां उदयमान सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, जहां डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है, उस राज्य की एक परंपरा छठ महापर्व आज पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। लेकिन छठ महापर्व की मात्र 2 दिनों की छुट्टी बिहार सरकार ने दी है। तो अब सवाल यह है कि जो बिहार के शिक्षक हैं, जो बिहार की शिक्षिकाएं हैं, अगर वो छठ महापर्व करती हों तो फिर उनके लिए क्या, क्या स्कूलों में अपर मुख्य सचिव महोदय छठ का त्यौहार करवाएंगे? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब जरा सोचिए कि बिहार के बच्चे अपने भविष्य में क्या बताएंगे, यही कि छठ महापर्व पर जो है ना तो खरना के दिन की छुट्टी मिली ना नहा खाएगी, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने छठ व्रत करना छोड़ दिया। बिहार में अगर आप बात करें, बिहार में अगर बात करें तो लाखों शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसी है जो छठ महापर्व करती है, लेकिन उनके साथ ना इंसाफी ये बिहार सरकार और शिक्षा विभाग कर रही है। ये ना इंसाफी शिक्षकों के साथ नहीं, ये ना इंसाफी छात्र छात्राओं के साथ नहीं, बल्कि ये ना इंसाफी है हिंदू त्योहारों की, हिंदू महापर्वों की, क्योंकि सरकार और सत्ता में बैठे लोगों से सवाल अब उठे रहे, पूछे जा रहे हैं कि क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे आप, क्या जवाब देंगे आप, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे हिंदुस्तान के साथ बने रहें, धन्यवाद।